Hello friends, this is your host Rachit Pangal. I hope you all are fit and fine. थोर को भी हम लेके जा रहे हैं इसके क्लिनिक पे, एक बार चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं, वेट वुट देख लेते हैं इसका, तो उसी हिसाब से इसको डिवॉर्मिंग देनी है, तो इसलिए लेके जा रहे हैं। चलो आप लोगों को भी वहाँ ही लेके चलते हैं। थोरू कटोरी तोड़ दी पापा, कटोरी तोड़ दी। चल थोरू गाड़ी के नीचे आ गई कटोरी, पहले से टूट रही थी ये थोरी का पट्टे अंदर क्यों पड़ा है। औरो क्या ला, ये यहाँ से देखता रहता मेरा प्यारा भाई। तू कान चाट ले, तो इसको कान चाटने में विश्वास है, ये कोई भी चीज मनाना हो इसने तो सिर्फ ये कान चाटता है ना पापा जी। चलो चलते है भाई, आज तो ऐसे ठंडा ठंडा फील कर रहा है, ऐसे कैसे बोलते, गाड़ी का ए सी इतना तेज कैसे चल रहा है। थोड़े थोड़े जो मुंह देखना कितना मस्त लग रहा है। चलो भाई पहुंच के मिलते हैं क्लिनिक में। अभी एक बार वेट चेक करवाएंगे। थोर पूरा बदमाशों की तरह खड़ा होता है। इस डॉगी ने हर जगह सुसु कर दिए, आगे वहां करा यहाँ करा, होगी निशानी, संतुष्टि होगी थोर, क्या करना चाह रहा है पापा, बार बार बताना चाह रहा है मैं आया था यहाँ पे है। ओए थोरी क्या करना चाह रहे तुम, आ जा चल। बात इतनी सुनता है मेरी, अभी स्टार्ट कहना क्या चाह रहे तुम। और भाई ना मैं थोड़े ये वीडियो ऐसे बनाता हूँ इसलिए वीडियो में छोटा लगता है, ऐसे देखो तो अच्छा बना है इस हिसाब से। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई जब भी वो ऐसे रियल में देखते हैं ना थोर को, तो ऐसे कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा यार वो तो है ही, कहते नहीं यार वीडियो में ना भैया ये थोड़ा सा छोटा दिखता है, तो ये एंगल ऐसा है जैसे मैं अब ऊपर से मेरे हाइट के हिसाब से बनाता हूँ तो ये छोटा लग रहा होगा, बट जो इसकी हाइट के हिसाब से देखोगे तो ये यूँ दिखेगा, तो बस ये थोड़ा फर्क है। हैं बिच्छू ये देखो, थोर को एक नया दोस्त बनाना है जो इसके नीचे बैठा है, बट वो डर रहा है इससे क्योंकि वो पहली बार मिला है, और थोर कह रहा है कि हम दोस्त बन सकते हैं। थोरू बन सकते हैं दोस्त, थोरू दोस्त बन सकते हैं बेटे, देख बोल ले उसको, ये वो नीचे बैठा है ना। वो पिटबुल है, ये थोर है। दोस्त में लगा डर रहा है वो पिटबुल। अरे अपना राजा किसी से डरता ही नहीं। थोर को वहां अंदर जाना है। लो भाई थोर का वेट करा रहे हैं, कितना वेट है पापा, 36 किलो। थोरू तेरा तो वेट कम है मुझे लग रहा है, या बढ़िया है सही है पापा, कुछ पापा इसका मतलब तो इसका वेट सही है, वो 35 से 40 कह रहे हैं, तो 36 200 ग्राम है। पता क्या ये दो तरह के आते हैं रॉटवाइलर, एक आते हैं मैस्टिफ टाइप में, एक आते हैं मीडियम साइज में। ये एक ने पूछ रखा है कि ये तो रॉटवाइलर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाँ ये ऐसा क्यों होता है, इसको बताओ कि ये कौन सा कॉम्पैक्ट साइज है। दो साइज के होते हैं ना, एक मैस्टिफ टाइप होते हैं, एक मीडियम साइज में बोलते हैं, तो ये मीडियम साइज का है क्योंकि इसका फादर भी मीडियम साइज का ही और इसकी मदर भी मीडियम साइज की है, तो इसलिए। और अभी तो और इसकी हाइट जितनी होनी थी होली शायद हल्की सी और बढ़ेगी, बट उसके बाद इसका वेट बढ़ेगा, है ना पापा जी। हाँ बस अब शरीर भरेगा इसका, शरीर भी तो भरेगा। और बाकी मैं तो डॉग को रिकमेंड करता हूँ कि ये बिल्कुल एथलेटिक शरीर होना चाहिए, है ना, मोटे मोटे हो तो जाते हैं पर उनसे चला तो जाता नहीं, कितने मस्त, मतलब बिल्कुल स्लीक बॉडी है इसकी, और यूं भी नहीं कि मतलब डोबरमैन है, आगे से बहुत भारी है ये और पीछे से बिल्कुल अपनी स्लीक बॉडी है, ये परफेक्ट यही होना चाहिए क्योंकि वर्किंग डॉग ब्रीड है ना ये। और यहाँ से देखो, अब देखो इसका वर्किंग डॉग ब्रीड ऐसा ही होना चाहिए भाई। थोर का वेट तो करा लिया है, थोर का वेट था 36 ग्राम
36 kgs। तो भाई डॉक्टर ने तो कहा बढ़िया है, ठीक है, और डाइट की इसकी कमी नहीं है, इसको इतना ज्यादा खिलाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये वो अपने क्या है, स्लिम फिट है, फिट बंदा है पापा की तरह है। हाँ, और अब हम जा रहे हैं कि भाई एक ना यहाँ पे सैनी स्वीट्स है, बहुत बढ़िया दुकान वाला है, नहीं मिठाई वाला है क्या रहे हैं साथ। तो वहां से अब मानू के लिए ना चॉकलेट लेके आता हूँ, मैंने चॉकलेट देखी थी वहाँ पे अच्छी थी तो मानू मंगा रही थी, तो मैं क्यों ना वहां से ही ले आते हैं। तो अब हम वहां जाने लग रहे हैं। ये वाली पसंद है, मैंने ट्राई करी थी, अच्छी है। आप लोग भी ट्राई करना, घर जाके मानू को दिखाते हैं। पापा को गुलाब जामुन खाने थे तो मैं ले आया। लो पापा जी, पैक करना ना था यार। आपने तो कहा था खाने हैं तो मैं कह रहा खाने है। अरे खा लो खा लो, दो तो दिखाई जाऊंगा जी। उन्होंने तो कहा था कि पैक कराने, मैंने सोचा कि खाने के लिए आपने मंगाए। देखना थोर की नीत निगी, हिंदी में वही, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे पापा जी? पापा जी तो पूरा ध्यान दे रहे हैं अपने गुलाब जामुन खाने में। थोर आके देखते क्या आ गया भाई नया नया। पर ये चॉकलेट मस्त है, ये मानू अभी को खिलाएंगे फिर देखना बढ़िया रिएक्शन आएगा। मैंने खाई हुई है, बहुत बढ़िया। पहुंच गया थोरू घर पे, आ गई मटकी। आ गई मानू, ये ले झाड़ू मार। ये ले तेरी चॉकलेट, ये ले। ए भाई हाँ, छोड़ क्या पहले जा, छोड़ छोड़। वाह, खोल के देख, तू रो रही है, नोची निकाल रही है। कैसी लगी चॉकलेट? ये ऐसे बेचते होते भाई हमारे घर में। मम्मी को खास करके मेरी, आपकी जितनी इज्जत है ना मम्मी, आपके तो दुनिया इज्जत करती है। कैसी लगी खा के देख भाई, ऐसे मक्खन की तरह है, मुंह में डालते ही पिघल जाएगी। चलो खा लो। ये आज की नई पीढ़ी है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कन्नू लैपटॉप पे बैठा है, हेला भी देख रही है, गाने सुन रही थी हेला। वो पीछे भाई साहब अलग ही दुनिया में, उसको यू हो रहा है कोई बोल ना छीन ले मेरी। कहाँ गई बे बोल, गाने सुन रही है। ये देखो, ये देखना पीछे, तेरे नीचे, ये देख भाई साहब, मम्मी पापा उधर, पापा का रुमाल है ये। गाइस, आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये जो इंसान है, ये हमेशा मेरे ऊपर इंजाम लगा देता है। आओ मैं इसके करतूत दिखाऊं। मैं एक बार पहले भी पानी दे देता हूं, वर्ल्ड फेमस। शट अप। ये देखो गाइस, ये देखो, ये किसने मंगवाई है मम्मी? पापा सच बता दो, चुप देखो, मैं तो अपनी कड़ी और रोटी खाने लग रहा हूँ, मैं क्यों मंगाऊंगा ये? मम्मी की कसम गाइस, ये इसने मंगवाई है। मैंने तो आज मैगी, मैंने तो ये मंगवाई थी चॉकलेट, ये कभी पीछे बैठती है। तारे जमीन पर वाला सीन है, तारे देखो इन्हें, ये है ओस की बूंद, ये सलमान खान का संतम सल्लू भाई। पीछे देखो गाइस,